अच्छा जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? ठीक है, तो आप मुझे ये कह रहे थे कोई कि अभी आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा था मुझे, है ऐसा? है अभी भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते? तो हमने क्या किया, हम बी के बाद आ गए। करना तो खैर खुद पड़ेगा अगर मैं कह दूं तो, लेकिन चले मैं करवा देता हूँ। कोशिश भी करनी चाहिए ना, वरना एग्जाम वाले दिन कोशिश होती ही नहीं। तो बी के बाद जो है वो ये हमने कहा आपसे, आसान है बेटा, मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मीटिंग एंड हो रही थी इसलिए मैंने कहा था। खैर, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बी आ गए, अब जो है आपने सी से कंपेयर करवाना है। तो अब आपको पता है कि जब न्यू इनपुट आएगा तो सी जो है वो उसके साथ कौन होगा, एप्सिलॉन, मतलब इस सॉरी स्टैक में क्या पड़ा हुआ होगा, बी पड़ा हुआ होगा, और टॉप पे क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, अब यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और लगा दें। ठीक है, और यहाँ पर आप दोबारा से क्या कर दें कि सी कॉमा बी कीप पॉपिंग, पॉप करते रहो। ठीक है, जब तक ये आ रहे हैं पॉप करते रहो। अब मुझे अगेन सवाल वही पूछना है कि क्या सी को फाइनल स्टेट बनाना चाहिए या न्यू फाइनल स्टेट बनेगी? व्हाट डू यू थिंक, क्या सी को फाइनल स्टेट बनाना चाहिए या न्यू फाइनल स्टेट बनेगी? न्यू बनेगी, ठीक है, चूंकि सी पे हमारा इस क्वेश्चन में भी डिसीजन डिपेंडेंट है। तो ये हमने बना दी न्यू फाइनल स्टेट, और आपको पता है कि इस पे क्या ट्रांजिशन करके जाएंगे आप, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट की। ठीक है, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन करके आप न्यू फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन, कोई बात हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ठीक है, न्यू बनेगी, हमें पता है, लॉजिक समझ में आ गई है। तो ये तो हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अब मैं अपना व्हाइट बोर्ड दोबारा शेयर कर देता हूँ। क्या आ गया व्हाइट बोर्ड? अच्छा जी, ये आ गया हमारा व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, और इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ए पावर एम प्लस एन, बी पावर एम, सी पावर एन, सच दैट एम कॉमा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये बता दीजिए बस। बिल्कुल ठीक है, दोनों मीनिंग है, मीनिंग दोनों है जो आप दोनों ने लिखी है, ये दोनों मीनिंग है। ये कहते हैं कि कम से कम ए के एक भी एक सी कम से कम एम और एन की वैल्यू 1:1 होनी चाहिए, और अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो ए कम से कम 2 होंगे, और बी और सी जो है वो कम से कम 1 होंगे, और जितने ए होंगे उतने ही मिला के बी और सी होंगे। इज इट क्लियर? बस अब मैं अगर आपसे कहूं कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाह रहा हूं तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा यस या नो में कि मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। क्या मैं ए की पावर को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे या ऐसे? जी, ए की पावर को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बस यही खत्म हो गया क्वेश्चन।
फिर तो बचा ही नहीं कुछ क्वेश्चन में. अगर आप ओके कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और डेफिनेटली आप लोग ओके करेंगे. तो ये हो गया क्वेश्चन. अब आप क्या करें, चूंकि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे और ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे. अब चूंकि ये और ये सेम है तो दोनों को पुश करवा देते हैं, ठीक है, और ये हमने स्टैक बना दिया. ये हमारी बॉटम ऑफ द स्टैक आया. ये हमने जेड नोट लग दिया. ठीक है भाई, अब इसकी इनिशियल स्टेट बना लेते हैं. और हमें पता है कि ए को पॉप, ए को पुश करवाएंगे और बी पे जो है वो क्या होगा, बी पे और सी पे हम लोग क्या करवाएंगे, पॉप करवाएंगे. तो जब तक ए हैं उन्हें पुश करवाते रहे, जब तक ए आ रहे हैं उन्हें पुश करवाते रहे, तो इसमें स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैक इज हेल्पिंग अस. वो कह रहा है कि मुझे याद तो है तो तुम अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हो, मैं टॉप ऑफ द एलिमेंट से याद रखने की कोशिश करता रहूँ, तो इसलिए मैं अपनी स्टेट या चेंज नहीं कर रहा. और मैंने ये काम कर दिया कि ए कॉमा ए ए ए ये मेरी दो ट्रांजिशन हो गई. इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपनी नई स्टेट बनाई. ओ सॉरी, न्यू स्टेट बना रहा हूँ और पहला भी आएगा तो मैं उसे याद रखूँगा. क्यों? क्योंकि मुझे अपना ऑर्डर भी याद रखना है इस क्वेश्चन में. तो मैंने पहला भी आया, पहला भी आया तो मैंने अपनी स्टेट चेंज की और ये मैं चला गया कैपिटल बी पे. लेकिन मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे बी आए तो मुझे इसको पॉप करवाना है जो ए पड़े में. तो अब जब बी आते रहेंगे जब तक उन्हें पॉप करवाते रहेंगे. बी कॉमा ए एप्सिलॉन, ये मैंने पॉप करवा दिया. अब मुझे अगेन आपसे यही पूछना है कि जब सी आएंगे जब भी ए पॉप होंगे, ऐसा ही ना? फर्ज कर लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ए जो है वो पांच है, ए जो है वो पांच है, ए जो है वो चार है और बी तीन है और सी एक है. ये स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, लाइक ए ए ए ए बी सी सी सी, तो इसे एक्सेप्ट होना चाहिए. सवाल ये है कि जब सी आएंगे ये इनवैलिड होगा. अच्छा भाई ये वैलिड है, जब भी तो कह रहा हूँ मैं तुम्हारा वाइवा लूंगा. अरे यहाँ पर पावर, बेटा तुमने फाइनल एग्जाम मिड टर्म दिया किसके बाद बैठ गया था ये बताओ, तुम्हारे नंबर इतने आ कैसे गए? पावर का मतलब यहाँ वो पावर नहीं होती, पावर का मतलब ये होता है नंबर्स कि कितनी दफा आएगा. अगर ए के ऊपर एन लिखा हुआ है तो एन नंबर ऑफ टाइम्स, ये मैं पहली दफा बता रहा हूँ आपको. दो नंबर कम हो गए आपके फाइनल में से, मिड टर्म में से, क्योंकि आपका वाइवा भी चल रहा है साथ साथ. यस योर गॉड माय गॉड ऑल आर सेम यू नो. जब याद नहीं आता पेपर देखते हुए कि अल्लाह ताला देख रहा होगा, तो स्टेट चेंज करनी पड़ेगी. स्टेट इसलिए चेंज करनी पड़ेगी, स्टेट इसलिए चेंज करनी पड़ेगी कि सी जो है वो मिक्स ना हो जाए बी के साथ. मतलब क्या है कि अगर सी, अगर मैं स्टेट चेंज ना करूं और सी पे ए को यहाँ पर पॉप करवाता रहूं तो सी के बाद अगर दोबारा से बी आ गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा. फिर ये मुझे अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ रही है और स्टेट चेंज करके मैंने क्या लिखा कि भाई सी आ रहे हैं अभी भी ए पड़ा हुआ है टॉप में तो आप एप्सिलॉन ही लगा दो. स्टेट इसलिए चेंज किया क्योंकि स्टेट चेंज करने से हमें याद रह जाएगा कि कम से कम एक सी आ चुका है. सवाल वही है आपसे अगेन, न्यू स्टेट बनानी पड़ेगी ऐसी को फाइनल कर सकते हैं, न्यू स्टेट बनानी पड़ेगी ऐसी को फाइनल कर सकते हैं. बनाएंगे, ठीक है, क्यों? उसका रीजन यही है, अब हमेशा बार बार बात हो रही है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो डिपेंडेंट है, तो आप यहाँ पर एक फाइनल स्टेट बना लें और उस पर अपनी ट्रांजिशन लिख दें फाइनल के लिए. और यहाँ आप लिख दें एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट
जेड नोट, ठीक है भाई। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया, क्लियर। एनी क्वेश्चन? बेटा किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं है कोई सवाल? चलिए सवाल लिखता हूँ, थोड़ा लॉजिक समझिए, दो चार मिनट देता हूँ मैं आपको। क्योंकि देखिए मेरे पास तो ये सारे लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, अगर आपको फर्ज करें अभी आप क्लास में नहीं कर पाते तो आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएगा, वो मैं आपको दे भी दूंगा, लेकिन खुद ज़रा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ज़रा इसकी लॉजिक सोचिए, ठीक है, लॉजिक सोचिए और बनाने के लिए कीजिए। ठीक है, तो ज़रा इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके पास 3-4 मिनट है, ठीक है, इसकी लॉजिक सोचिए। वही वाला सवाल है बिल्कुल ये कि m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहीं रहिएगा, ठीक है, और सॉल्व कीजिए। लॉजिक समझ में आ रही है? सिर्फ ये बताएं पहले मुझे, टाइम उस जब उस वक्त स्पेंड कीजिएगा कि आपको जब पता हो ना कि हमें करना क्या है। तो हमें पता है सवाल में कि जितने, बिल्कुल अच्छी बात है, जितने ए और सी होंगे उतने मिला के बी होने चाहिए, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, और इन केस अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, और मैं इसका लेक्चर भी, मतलब ये भी अपलोड कर दूंगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इसका सॉल्यूशन वाला लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन खैर ये बड़ा आसान सवाल है, पहले ए आएंगे तो आप पुश करवाएंगे, पहले ए आएंगे तो आप पुश करवाएंगे, फिर बी आएंगे, तो बी जब तक ए को पॉप करवाएंगे जब तक ए स्टैक में पड़े हुए, और जब ए खत्म हो जाएंगे स्टैक के अंदर तो आप देखेंगे कि बी अभी भी आ रहे हैं और स्टैक में पड़ा हुआ है जेड नॉट। बी जो है वो अभी भी आ रहे हैं और स्टैक में क्या पड़ा हुआ है जेड नॉट। बी अभी भी आ रहे हैं और स्टैक में क्या पड़ा हुआ है जेड नॉट। तो बस उसके बाद बी जो है वो पुश होने शुरू हो जाएंगे, बी पुश होंगे जब तक सी नहीं आएगा, और सी जब आएगा तो बी को वो क्या करवाएगा, पॉप करवाएगा। उसके बाद आपको पता है कि इसमें भी न्यू फाइनल स्टेट बनेगी बिकॉज सी इज डिपेंडेंट ऑन बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बना लेंगे आराम से, बना लेंगे आराम से, इसको लाजमी बनाना है। मतलब ये मत सोचिए कि बस जब बैठे पढ़ने, आप यहाँ पर जगह छोड़ दीजिए, अगर आप रजिस्टर में नोट करते हैं जो भी आप अपना लिख लीजिए कहीं पर, अच्छी बात है, जहां पर भी आप ये क्वेश्चन करते हैं वहां आप इसकी जगह छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, और वो जो है वो ये है, ए एम बी एन सी एन प्लस एम। अच्छा बल्कि एक मिनट, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसको मैं आपको ऐसे भी लिख के बता देता हूँ, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना इस क्वेश्चन को जो ऊपर हुआ हुआ है, तो अगर मैं इसको आपसे कहूँ दो क्वेश्चन हो गए आपके तो आपको मसला ही नहीं है ना, दोनों को आपस में आपने ज्वाइंट कर लिया, खत्म हो गई बात, ऐसा ही है ना, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए आपके। तो ये इस तरह से लॉजिक हम लोग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और जो कि बिल्ड हो भी जाती है, बस पेपर वाले दिन थोड़ा सा मसला होता है, अदरवाइज हमें सब समझ में आ रहा होता है, ठीक है। ये देखें, m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जी। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी सर, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? सही है सरकार, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, ए और बी दोनों को आप करवाएंगे पुश, ए और बी दोनों को आप करवाएंगे पुश, फिर सी जब आ रहे होंगे तो पहले बी आने चाहिए स्टैक में, जो कि स्टैक में रखे भी किसने, आपने रखे हैं, तो आप ही उसे पॉप करवा लेंगे, सी पे बी पॉप होंगे फिर सी पे ए पॉप होंगे, जब सी खत्म हो जाएंगे तो स्टैक में ए खत्म हो जाना चाहिए। क्लियरली बता दूं कि सी के बाद ए जो आएगा, तो अगर
सी खत्म हो जाते हैं और एप्सिलॉन आता है, तो स्टैक में ए नहीं बचना चाहिए, स्टैक में क्या बचना चाहिए, जेड नॉट, क्या बचना चाहिए, जेड नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट पे ही एक्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर भी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन? कर लेंगे बेटा ये तीन सवाल, दो सवाल जो मैंने आपको बोले हैं करने को वो ऑलमोस्ट हो गए हैं यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से, लेकिन जब आप अपने घर पे कर लेंगे तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा कि आपसे हो गए. अब मैं आपको थोड़ा सा एक नया तरह का सवाल करवाता हूँ. ए टू द पावर टू एन एन एंड बी टू द पावर टू एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे और जितने ए होंगे उसके डबल बी होंगे. ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब स्ट्रिंग. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. अब ये सवाल दो तरीकों से हो सकता है. पहला तरीका क्या है जो आप मुझे बताएंगे और दूसरा तरीका मैं आपसे पूछूंगा. तो पहला तरीका आप मुझे बताइए. पहला तरीका मैं आपसे पूछूंगा, दूसरा तरीका आप मुझे बताएंगे. तो शाबाश बता दीजिए कैसे हो सकता है, जो भी लॉजिक है जैसे होता आ रहा है बिल्कुल. इसमें ए पुश करेंगे तो बेटा बी तो डबल है ए के, तो अगर ए को पुश कर दिया तो चार ए पे चार ए पुश कर दिए तो चार बी पॉप हो जाएंगे, चार बचेंगे उस पर कैसे होगा. थर्ड स्ट्रिंग गलत लिखी है शायद, बिल्कुल गलत लिखी है. ठीक है तो थर्ड स्ट्रिंग बिल्कुल गलत है, ठीक है मैं इसको सही कर देता हूँ, ये गलत है. छह भी होने चाहिए था. अच्छा बताइए लॉजिक बताइए. सही है सर. तो ये हो गई ये बात. अब हमने क्या किया, हमने इनिशियल स्टेट पे इसको बनाया, और हमने कहा कि भाई सबसे पहले जब ए आ रहे हैं तो आप क्या करें, आप एक ए पे दो ए रख दें, एक ए पे दो ए को पॉप कर पुश करवा दें. मतलब क्या है इसका, ठीक है सही है बात. एक ए पे आप दो ए को क्या कर दें, पुश कर दें, एक ए पे दो ए को पुश कर दें. आपको इतनी लिमिटेशन, इतनी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर कि आप दो ए को एक साथ पुश करवा सकते हैं, ए कॉमा ए ए, ठीक है ये दो ए हुआ है. इसका मतलब क्या है कि जब ये अगर ये वाला स्ट्रिंग चलेगा तो चार ए चले आएंगे ऑलरेडी. क्लियर बेटा? किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए. एक ए पे दो ए को आप क्या करवा दें, पुश करवा दें. क्यों, क्या, कैसे, नहीं, ये लॉजिक इंप्लीमेंट हो सकती है. तो अब आप बताइए, आपको इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछिए. ये मत पूछेगा कि सर दो क्यों पुश करवा रहे हैं, जाहिर सी बात है लॉजिक है ये, हमें अलाव है. पहले भी तो हम ए जेड नॉट को एक साथ पुश करवा रहे थे, दो अलाव थे तो तीन भी अलाव कर दिए, कोई मसला थोड़ी है. ठीक है तो अब हमने क्या किया, अब जब जितने ए थे उसके डबल चले गए स्टैक में, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई बी जो है वो अब सिंगल सिंगल क्या हो जाए, सिंगल सिंगल पे क्या हो जाए, सिंगल सिंगल पे क्या हो जाए, पॉप हो जाए बी कॉमा ए एप्सिलॉन. ठीक है भाई. और उसके बाद हमने क्या किया,
अब बस जब बी खत्म होंगे तो ए भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ए ऑलरेडी उसके डबल है। क्लियर? और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो आप फाइनल स्टेट पे लाजमी जाएंगे, क्योंकि बी पे डिपेंडेंट है आपका क्वेश्चन। और आपने बोला एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट, जेड नॉट। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? दूसरा मेथड क्या हो सकता है आपके ख्याल में? दूसरा मेथड क्या हो सकता है आपके ख्याल में? दूसरा मेथड क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए जरिया आप कुछ लिमिटेशन है, ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, हर स्ट्रिंग ना सिंगल सिंगल इनपुट आ रहा है। ठीक है, तो हम अपनी रिसोर्सेज में रहते हुए ही कुछ सोचें, अपने रिसोर्सेज में रहते हुए सोच लेते हैं कुछ। स्ट्रिंग तो करेक्टर बाय करेक्टर इनपुट आ रहा है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है बेटा कि आप सिंगल ए पे, सिंगल ए पे आप सिंगल ए को पुश करवाइए, बी कम नहीं होंगे, सिंगल ए पे सिंगल ए को पुश करवाइए, और जब बी आए तो दो बी पे एक ए को पॉप करवाइए। हाँ, दो बी पे ए के पॉप कैसे होगा, एक को इग्नोर करें और एक पे पॉप करवा दें, इसका मतलब डबल ट्रांजिशन होगी। क्या कह रहा हूं मैं बता देता हूं। देखें सबसे पहले आपने क्या कहा, आपने बोला सर कोई मसला ही नहीं है। देखें पहले ए आ रहे हैं, हाँ सर पहले हर ए पे एक सिंगल ए को पॉप करवा दे, पुश करवा दे, करके देखते हैं कोई गड़बड़ होती है तो बात करते हैं उसमें। ए कॉमा जेड नॉट, ए जेड नॉट और ए कॉमा ए ए, ये तो हो गई बड़ी सिंपल सी बात। आगे पहुंच गए, ठीक है सर। अब लॉजिक समझे, जब पहला भी आया तो मैंने अपनी, अभी मैं आपको समझा देता हूँ डायग्राम बना के भी, ताकि कोई चीज अगर क्लियर ना हो तो वो हमें समझ में आ जाए। फर्ज करिए दो ए वाला सवाल है, ठीक है, तो ए के ये हो गया, ठीक है भाई। तो अब अगर हम यहाँ लिखें तो ये हो गया बी कॉमा ए ए वापस, इसका मतलब है अगर मैं स्ट्रिंग भी यहाँ लिख दूं तो दिस इज लाइक दैट। ये देखें, तो आपने पहला बी देखा और आपने इसे इग्नोर कर दिया। इग्नोर का मतलब क्या है, स्टैक को अनचेंज रखा। आपने दो पे कंप्लीट करना है, तो दो का मतलब क्या होता है कि दो पे एक, तो टू का साइकिल कब कंप्लीट होता है, वन के बाद या टू के बाद? टू, टू का लूप कब कंप्लीट होता है, टू के बाद होता है वन के बाद होता है? टू का लूप कब कंप्लीट होता है, टू के बाद या वन के बाद? जी किसी भी टू के बाद होता है ना, तो इसका मतलब है आपने दो के बाद डिलीट करना है, पहले पर डिलीट नहीं करना जब तक मेक श्योर ना हो जाए कि दूसरा बंदा आ गया है, तो डिलीट नहीं करें। तो आपने क्या कहा सर, आप देखें चूंकि एक साइकिल वाला, साइकिल नेचर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका साइकिल जो है वो अपनी स्टेट चेंज करके वहां तक जाता है जहां पर उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है। तो ये देखें बी और ये सी, ठीक है सर, ये आपने लिखा बी कॉमा ए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो इसका मतलब मैंने एक बी देख लिया?
अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक भी देख लिया है? बिल्कुल। और अगर मैं कैपिटल सी पे खड़ा हुआ हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने दो भी देखने के बाद एक ए डिलीट कर दिया है? कह सकता हूं ना। बस अब आपको पता है कि आप यहां खड़े हैं और आपने एक डिलीट कर दिया है, तो अब तीसरे बी को आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। तो आप वापस उसी स्टेट पर चले गए और आपने बोला बी कॉमा ए ए। इसका मतलब है आसान अल्फाज में, और क्या मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल बी इज माई ऑड स्टेट एंड कैपिटल सी इज माई इवन स्टेट। कैपिटल बी इज माई ऑड स्टेट एंड कैपिटल सी इज माई इवन स्टेट। कैपिटल बी इज माई इवन स्टेट, तो कैपिटल सी पे जब भी होगा इसका मतलब मल्टीपल ऑफ टू भी देख चुका हूं और उसके हाफ में डिलीट कर चुका हूं। डिलीट मतलब पॉप कर चुका हूं। बस अब मुझे बता दीजिए कि साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है, सी पे हो रहा है बी पे हो रहा है? तो बस फाइनल स्टेट का कनेक्शन किससे बनेगा? फाइनल स्टेट का कनेक्शन किससे बनेगा बेटा? सी से बनेगा, ठीक है ना। और ये इसीलिए ना बहुत सारे क्वेश्चन एंड करवाने जरूरी होते हैं, ऑल्दो कि लॉजिक यहाँ समझ में आ गई थी, लेकिन फाइनल स्टेट का कनेक्शन यहाँ से बनेगा। उसका रीजन क्या है कि साइकिल मेरा कहाँ कंप्लीट हो रहा है? यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट, जेड नॉट देख भी लेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, वैसे तो नहीं की लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेंगे। अब फर्ज कर लीजिए ये स्ट्रिंग मिलता है ए ए बी 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 बी, ये डिलीट, ये रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट है, ठीक है। तो दो ए चले गए, ये देखें पहले को इग्नोर, दूसरे बी पे डिलीट, तीसरे को इग्नोर, चौथे बी पे डिलीट, पांचवे बी पे आप यहाँ आ गए। आप यहाँ आए स्टैक में बी, यहाँ पर आप खड़े हुए थे बी कॉमा जेड नॉट, बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन सी पे नहीं है, पांचवे बी पे बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन सी पे नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पांचवे बी पे बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन नहीं है, पांचवे बी पे बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ए बढ़ा दूं, ये देखें तो पहला बी और दूसरा बी। अब मुझे बताएं एप्सिलॉन कॉमा ए की ट्रांजिशन है यहाँ पर, क्योंकि स्टैक में तो अभी ए पड़ा हुआ होगा, स्टैक में तो ए रखा हुआ है ना, तो एप्सिलॉन कॉमा ए की ट्रांजिशन है यहाँ पर सी पे। क्या कैपिटल सी पर एप्सिलॉन कॉमा ए की ट्रांजिशन है? नहीं है। वंडरफुल। अब ये देख लें कुछ ऐसे तरीके से मामला तो जाए कि शुरू में बी आ जाए, तो देखें बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है, नहीं है। तो इन एनी इनवैलिड कॉम्बिनेशन हम लोग सही काम कर रहे हैं, इन एनी इनवैलिड कॉम्बिनेशन हम लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो समटाइम्स क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से होता है। एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, एक आप क्या कर रहे हैं आप डबल उसका कॉम्बिनेशन पॉप करवा रहे हैं, पुश करवा रहे हैं, पॉप नहीं हो सकता। अच्छा ये चीज अलाउ नहीं है, मेक इट क्लियर, ये चीज अलाउ नहीं है कि मैं ये लिख दूं ए कॉमा बी, ये चीज अलाउ नहीं है ए कॉमा बी, मतलब अलाउ है या नहीं है कि आप दो दफा एप्सिलॉन लिख दें कि सर दो पॉप करवा दिए? पुश तो आप करवा सकते हैं लेकिन पॉप हमेशा आप सिंगल एलिमेंट करवाते हैं, क्योंकि पॉप में आपका डिसीजन, आपको जो चीज दिख रही है ना, देखिए इस चीज को क्लियर कर लें, ये एक बॉक्स है, स्टैक का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। आपको नहीं पता इस बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन चूंकि आप पॉप करवा रहे हैं तो आपको इस बॉक्स का सिर्फ टॉप दिख रहा है, तो आप डिसीजन देख के करेंगे या ब्लाइंडली कर लेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर मुझे चूंकि टॉप पे दिख रहा है तो मैंने कह दिया पॉप। क्लियर हो गई ये बात? ये बात समझ में आई? आपको इस बॉक्स में कुछ नहीं दिख रहा लेकिन आपको सिर्फ टॉप का मेंबर दिख रहा है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि दो पॉप करवा दो? आप ये कह ही नहीं सकते कि दो पॉप करवा दो। जब तक आपको कोई चीज विजिबल ना हो तो आप डिसीजन आपको किस चीज पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन पुश करवा रहे आप रहे हैं, आपके पास वो चीज है, तो आप एक से ज्यादा चीजें मतलब लॉजिकली सोचें तो पुश करवा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो मैं जो पुश अभी जो मैंने इससे पहले लिखा था, ये लिखा था ए कॉमा ए ए, तो अब मैं इसमें दो करवाऊँ, तीन करवाऊँ, चार पुश करवाऊँ, मुझे दिख रहा है ना ये क्या है, तो मैं पुश करवा रहा हूँ। लेकिन जब एक चीज मुझे विजिबल ही नहीं है तो मैं कैसे एक से ज्यादा पॉप लॉजिकली सोच के बताएं कि एक से ज्यादा पॉप कैसे करवाऊंगा? इज इट क्लियर?
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉप वाली ऑपरेशन हमेशा एक ही लिखिएगा। हाँ पुश वाले आप एक से ज्यादा कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? इसमें चार स्टेट में हो रहा है। अच्छा पिछले वाले में तीन स्टेट में हो गया था काम। हाँ मैं ठीक है, समटाइम्स दरियाब हमें दोनों वे पता होने चाहिए, समटाइम्स हमें दोनों वे पता होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हम तो पेपर में जो एग्जाम्पल आएंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं ना, या क्विज में जो आएंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन तो मैं आपको डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, 1 घंटा लगेगा आप समझ लेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, हम यहाँ मौजूद हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। बेटा बाकी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए जी। नहीं ये सवाल एक इसका पीडीएफ बनाना है, किससे बनेगा सोचिए और बताइए। बेटा अभी क्विज होगा ब्रेक के बाद, आप मुझे बताइए जो सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसका पीडीएफ बनेगा नहीं बनेगा, मतलब बना सकते हैं आप या नहीं बना सकते? जी पीडीएफ से होगा क्विज, पिछली क्लास में अनाउंस किया था। सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए, बना सकते हैं। लॉजिक समझा दें कुछ, ये कह रहा है कि जितने ए होंगे उतने बी होंगे उतने सी होंगे, यही कह रहा है कि जितने ए होंगे उतने बी उतने सी होंगे। जितने ए होंगे उतने बी होंगे उतने ही सी होंगे। सवाल समझिए और फिर रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। जितने ए उतने बी उतने सी, ये नहीं कह रहा कि ए जो है वो बी और सी के डबल होंगे, मतलब ए बी और सी मिला के नहीं होंगे। सवाल में ये नहीं कहा जा रहा आपसे, आपसे सवाल में ये कहा जा रहा है कि जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे उतने ही सी होंगे, मतलब तीन 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 चार चार चार। इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा कि ए बी और सी का सम होंगे। उसका मतलब जो आप समझ रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस दोनों बातों में अलग अलग बात हो गई। ठीक है बेटा, तो सवाल ये है कि नहीं ना बेटा, लैंग्वेज ये है, इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये देखो ना बेटा, ये लैंग्वेज है। सबसे पहले जो स्टूडेंट ने जवाब दिया था उस वो ही कह रहा था कि ए को डबल पुश करवाते हैं। देखिए ए डबल हो जाएंगे तो चार हो जाएंगे, हमें चार नहीं करने। आप ये कह रहे हैं कि ए को डबल करवा दें और आधे बी पे पॉप करवा दें और आधे सी पे, लेकिन फर्ज करें ये आ गया, ये एक्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए लॉजिक से? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, अगर मैं ए को चार दफा करवा दूं तो तीन बी पे तीन ए हो जाएंगे और एक सी पे एक हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा? इसको एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में? इसको एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सवाल यह है कि ये जो आपकी लैंग्वेज में सामने लिखा हुआ है स्ट्रिंग, इसे अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट? नहीं होना चाहिए ना। अभी जो किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था उसने कहा कि सर ए को डबल पुश करवा दें, तो अगर मैं उस स्टूडेंट की बात मान के इसको डबल पुश करवा दूं, ये देखिए चार पुश करवा दिए, अब तीन बी और एक सी, इसको एक्सेप्ट कर लेगा ये? कर लेगा नहीं, जबकि होना नहीं चाहिए। तो ये वाला बात तो हो गई गलत। आपको इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है तो बताइए।
जी एनीवन बताएं कहाँ है जवाब आपका। नहीं ना बेटा, ए आए तो ए को पुश करो, फिर बी आए तो ए को पॉप करके बी को पुश कर दो बेटा। चलो मैं इसको बता देता हूँ, बलीद को। बलीद ये देखो बेटा, तुम्हारी बात कैसे गलत हो गई है। देखो, एक बेटा दो स्टैक तो हमें पीडीए नहीं है ना, फिर वो तो फिर हमने जैसे पढ़ा उसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखें, एक ही आया, ये दूसरा आया। अब ये कह रहे हैं कि जब पहला बी आए तो आप ए को डिलीट करके बी को रख दें। अब जब दूसरा भी आएगा उसको टॉप पे क्या मिलेगा? अब दूसरा भी आएगा उसको टॉप पे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्लियर हो गई बात? सही है। तो इसका जवाब ये है कि ये पीडीए से फिलहाल पॉसिबल नहीं है, जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर सवाल हो जाए, जरूरी नहीं है कि हर सवाल हो जाए, ठीक है। तो शुरू में मैंने कह भी दिया था कि बन सकता है नहीं बन सकता, तो जब मैं बन सकता है नहीं बन सकता खोलता हूँ तो ये सोचना होता है कि बनेगा नहीं। आपसे बनने की बात नहीं करी थी, लॉजिक की नहीं पूछा था मैंने, मैंने बन सकता है नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये नहीं बन सकता, ठीक है बेटा।